फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन का वाईफाई जो है कनेक्टेड होने पर भी वाईफाई का इंटरनेट नहीं चलता है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है ना, इसे ओपन कर लेना है। इस फाइल के ऐप में आपको नीचे एप्स का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में सबसे ऊपर इंस्टॉल ऐप पे टैप करना है, तो आपका पहला पेज रहेगा। इस पेज में आपको जो है ना नीचे आना है, ठीक है ना। नीचे की साइड आएंगे तो नीचे आपको जो है ना यहाँ पर एक ये ऑप्शन मिल जाता है देखने को, मेटा सर्विस पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको नीचे की साइड ना स्टोरेज का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आप ये सॉरी गलती से दूसरा ऑप्शन टैप हो गया, स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये वाला पेज आएगा। इस पेज में आपको नीचे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अब आपको बैक पेज पे जाना है, अब इसके भी बैक पेज पे जाना है, तो आपने जो मेटा सर्विस सिलेक्ट किया था ना, इसके इसी पेज में देखिए सबसे ऊपर सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस वाले पेज में आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज पे टैप करना है। इसके अगले पेज में क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू कर लेना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब आपको इस पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है, तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीके आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।